Inspector Chauhan. Inspector Chauhan, come in urgently. Inspector Chauhan, headquarters calling. उठाता क्यों नहीं? स्पीकर फटने को आया है. अरे चलने दे बॉम्बे को. मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं. तुझे क्या लगता है? किसने क्या होगा ये? अब इसका जवाब तो एग्नेल सर भी दे सकते हैं. सर, क्या हुआ? एग्नेल साहब को होश आ गया. सर, सर क्या हुआ सर? कौन था वो? किसने किया ये सब? आप उसका नाम बताइए सर. सारी जिंदगी सलाखों पे सर पटक के रोएगा वो. सर बोलिए सर, कौन था वो? क्या नाम है उसका? एग्नेल विल्सन. क्या? मैंने तहकीकात कर ली है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं. मतलब? मतलब ये कि इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. क्या बकवास कर रहे हो तुम सर? चौहान, ना तो गाड़ी में कोई डेंट है, ना डैमेज हुई है. और गांव वालों से पूछा मैंने, ना एक्सीडेंट हुआ ना ब्रेक फेल हुए. गाड़ी को सीधा खाई में जाते हुए देखा था लोगों ने. बताना तो तुम्हें पड़ेगा एग्नेल, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तुमने? खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की तुमने? आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम कमजोर पड़ गए. फर्श से भाग रहे थे या डर गए? फर्श से नहीं सर, अपने आप से भाग रहा था. और मैंने जिस मुश्किल में शहर को डाला है, मुझे मौत भी आसानी से नहीं आएगी. जो भी शहर में हो रहा है अग्निल, उसकी वजह तुम नहीं हो. धमाकों की आवाज में दफन है बंबई, और इस सब की वजह मैं हूं. एक आदमी की बुनियाद हिलाने चला था, आज देखिए पूरा शहर हिल गया है. कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तान मिर्जा. सुल्तान मिर्जा? इस कहानी की शुरुआत सुल्तान से ही हुई थी. सुल्तान मिर्जा आजादी के साल दो साल बाद ही मद्रास में एक जबरदस्त बाढ़ आई. अपना सब कुछ गंवा कर वो दो हाथ का लड़का बंबई आ गया. अगर वो बाढ़ ना आती तो शायद बंबई को सुल्तान नहीं मिलता और सुल्तान को बंबई. समुंदर किनारे गोदी में उसे काम मिल गया. सुना है कि सारा दिन कोयले के बीच काला होने के बाद उसे चार आने मिल जाया करते थे. उस छोटी सी उम्र में भी सुल्तान को दिल जीतने का हुनर अच्छे से आता था. तू मेरे को भीख देगा तो खुद क्या खाएगा? दुआ. आपकी दुआ खाऊंगा. आप बड़े हैं ना, तो आपकी दुआ से मैं एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ. जेब खाली है तेरा और बातें सुल्तानों वाली करता है. बस उस दिन उसका नामकरण हो गया सुल्तान. उसकी कम उम्र और मासूम चेहरे ने उसका बहुत साथ दिया. मजदूर से मालिक बनने का सफर शुरू हो गया था. मछली की टोकरी में छुप के आया वो बच्चा एक दिन समुंदर पर राज करेगा, किसे पता था. पर ये मुमकिन हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पर कायम रहता था. सुल्तान, हमें पठान का साथ नहीं देना चाहिए, दुश्मन है वो हमारा. जब दोस्त बना के काम हो सकता है पैट्रिक, तो फिर दुश्मन क्यों बनाए? ट्रक में 6 लाख का सोना है. पुलिस को मालूम है कि यह सोना शहर में पहुंचेगा जरूर, इसलिए शहर के हर रास्ते पर
कड़ी नाकाबंदी है। माल आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे तू हुआ था, ऊपर वाले की दुआ से, थोड़ी मेहनत से और बहुत सारी लगन से। काम हो जाएगा। ए, सबकी तलाशी ध्यान से लेना। अरे फाटक क्यों नहीं खोल रहा, हमें देर हो रही है। चल रही बहुत ही ज्यादा मतलब ही निकला सुल्तान, कुछ लाख के सोने के लिए हजारों जिंदगी खतरे में डाल दी। काम अभी पूरा नहीं हुआ है वर्दन। तेरा नाम सबसे ऊपर होगा सुल्तान। सुल्तान को बंबई से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहता था कि बंबई की सड़कों पर दहशत फैले, इसीलिए उसकी पठान, विष्णु, वर्धन और वर्गीस से मुलाकात जरूरी थी। लड़के सबके तेज हैं, बाजुओं में सभी के दम है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो नुकसान हम सबका है। सोच लो, बात खत्म करनी है या कहानी शुरू? तू
कहना क्या चाहता है सुल्तान? कौन सी चौकी में सबसे ज्यादा सलाम होता है वर्तन? धारावी। तो फिर ठीक है, धारावी चौकी से लेके परेल चौकी तक हम में से कोई आपके काम में दखल नहीं देगा। सुल्तान, ये बंटवारा हमें मंजूर ना हो तो? मैं चाहता था कि हम सब अपने अपने धंधे में बड़े बने। लो, काट लो एक दूसरे को। हम सब आपस में लड़ेंगे, उससे पुलिस का काम आसान होगा, हमारा नहीं। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? डोंगरी चौकी से लेकर साइन चौकी तक आपका। वर्गीस भाई, कुलाबा चौकी से लेकर तारदेव चौकी आपका। सुना है आप बहुत तेजधार अंग्रेजी बोलते हो, वहां काम आएगी। बैंड्रा चौकी से लेकर बरसुआ चौकी विष्णु आपका। पुलिस चौकी के हिसाब से शहर बांट रहे हो सुल्तान? चौकियां चाहे पुलिस की हो, शहर के कमिश्नर तो हम ही लोग हैं। सुल्तान, सारा शहर तो हम लोगों में बांट दिया, खुद के लिए क्या? वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं, समुंदर है ना मेरे पास। ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इसकी लहरों पे कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा।